गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आप तो बढ़िया ही होंगे, स्टेज पे मैं हूं, नर्वस तो मुझे होना चाहिए, यस और नो? एनी हो, मेरा नाम है संजीव कपूर, बिलोंग्स टू ब्यूटीफुल हिल स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश. कितने लोग हैं हिमाचल प्रदेश से? यस, वो एक इंसान मुझे नजर आ रहा है, राइट. सो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने खूबसूरत प्रदेश में पैदा हुआ. एनी हो, मैं थोड़ी सी अपनी आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. ये जो आज मुझे 15-20 मिनट मिले हैं, मैं कोशिश करूंगा इसमें दो सेगमेंट्स में आपके साथ बात करूंगा. पहला सेगमेंट होगा मेरी इंट्रोडक्शन और मेरी जर्नी का, और दूसरा सेगमेंट होगा जो मैंने इन 3.5 सालों में सीखा है, जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, जिन बुक्स को मैं रीड करता हूँ, जिन वीडियोज़ को मैं देखता हूँ, उनसे जो एनालाइज किया है कि सक्सेस के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, एक शख्सियत में होने चाहिए, वो कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँगा बिल्कुल ब्रीफ में. चलेगा? अब मुझे चाहिए क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि ये 15-20 मिनट में कुछ आपको ऐसा मिले जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो मैं चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई बात आपको अच्छी लगे तो दिल खोल के क्लैपिंग कर देना. क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं ये शुरुआत करने से पहले, आज का मौका है और आई एम वेरी लक्की बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि एक नेशनल स्टेज पे मैं बोलने जा रहा हूं. इससे पहले सक्सेस डे में मौका मिला है और ये बहुत ही बड़ा मौका है, और मैं इस मौके पे धन्यवाद करना चाहूंगा नवाज मैम का. थैंक यू सो मच मैम. मिस्टर रैक्समॉन, जोरदार क्लैपिंग उस शख्सियत के लिए जिनकी वजह से आज हम लोग यहां पे खड़े हैं, राइट. एंड अगेन थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत उबी, थैंक्स टू निकिता मैम, थैंक्स टू माय ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर मनदीप कंबोज, ही सिटिंग देयर. यस, वी आर वेरी लकी कि हम इस तरह की शख्सियत के टीम का एक पार्ट हैं, राइट. और उसके बाद जो मैं थैंक्स करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा मेरे इमीडिएट डायरेक्ट अपलाइन मिस्टर संदीप कंबोज, ही इज ऑल्सो सिटिंग देयर. ही इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, और इनके गाइडेंस में आज जो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, इन्हीं की गाइडेंस में मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं, आज भी सीख रहा हूं, और इनको मैं उस दर्जे पे रखता हूं जिस दर्जे पे मैंने अपने भगवान, मैंने अपने माता पिता और मैंने अपने परिवार को रखा. ही इज ऑन द सेम लेवल, राइट. और यही शायद रीजन है, यही शायद रीजन है मैंने कभी इनको क्वेश्चन नहीं किया. इन्होंने जो बोला, कभी मुझे डांटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया. कभी इन्होंने मुझे टोका, मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि क्योंकि मुझे इतना तो पता है इस सिस्टम में, इस तरह से डिजाइंड है सिस्टम, कि इस सिस्टम में आपके अपलाइन अगर आपको कुछ गाइड करते हैं, कोई टोकते हैं या कुछ कहते हैं, वो हमेशा आपके भले के लिए होता है, आप एक स्टेप फर्दर और इंप्रूव करते हैं. यस और नो? यस. इसके बाद मैं बात करूंगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, मेरा 9.5 साल का एक्सपीरियंस था, और एमबीए करने के बाद, और एमबीए भी मैंने यहीं पे दिल्ली में एमआईएम नोएडा से इनफैक्ट एमबीए की है, और मेरी एमबीए भी फॉर्चुनेटली जो मेरी यूनिवर्सिटी है दैट इज ऑल्सो आइवा फेयरफील्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमबीए की थी, और फॉर्चुनेटली आज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका. अब जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, हुआ ऐसा कि जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो मेरे साथ एक दिक्कत आ गई, और वो दिक्कत ये थी कि कहीं ना कहीं मैं ग्रो तो कर रहा था लाइफ में, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार को वो वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जो वो डिज़र्व कर रहे हैं. पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, 14-15 लाख के पैकेज पे पहुँच गया था, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही थी कि मैं अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा था, और ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रही थी. और मैं कोशिश कर रहा था लास्ट के जो 2-3 साल थे, कोशिश कर रहा था ऐसा कुछ ना कुछ बिल्डअप करूँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम या कोई ना कोई ऐसी अल्टरनेट ऑप्शन देखूँ जिसके कारण मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँ. बहुत सारी ऑप्शंस एनालाइज मैंने करना शुरू कर दी, और इसी दौरान जो हैं संदीप कंबोज सर, जो मेरे साथ किसी कंपनी में मेरे कुलीग होते थे, तो इनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, फैमिली रिलेशन बन चुके थे, तो ये मेरी लाइफ में आए. और जब ये मेरी लाइफ में आए
तो इन्होंने मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि इन्होंने भी एक बहुत अच्छे लेवल पे जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को अडॉप्ट किया। आई वॉज रियली शॉक कि यार ये कैसे हो सकता है कि इस 1.5 लाख पर मंथ के पैकेज को छोड़ के एक इंसान जो है जीरो से शुरू कर सकता है। लेकिन ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और मैंने भी इनको सबसे पहले उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह की नॉर्मल लोग देते हैं कि यार ये वैसी वैसी कोई कंपनी होगी और ये वैसा वैसा कोई काम होगा। यस और नो, ऐसा ही होता है कि नहीं? यस। तो मैंने भी इनको ऐसे ही कुछ कह के, लेकिन क्योंकि इन्होंने जब प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर दिए। मैं 1 से 1.5 साल तक तकरीबन सिर्फ प्रोडक्ट्स ही यूज करता रहा, और दोस्तों वो प्रोडक्ट्स इतने शानदार थे कि मैं इनको रिपीट करता रहा। जब 1-1.5 साल हो गया, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कर कह रहे हैं, तो मैंने देखा कि ये बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अमेरिका जाके वापस आ चुके हैं, और जब मैं देखता था इनका वर्किंग स्टाइल तो मुझे लगता था यही वो चीज़ है जहां पे मुझे अच्छी हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, अच्छी वेल्थ भी मिलेगी, और साथ के साथ एक ऐसा लाइफस्टाइल मिलेगा जहां पे मैं खुद और अपनी फैमिली के लिए वक्त दे पाऊंगा। यस और नो? ये जब चीज मुझे समझ आई तो मैं इनके पास गया, और इनके पास जाके मैंने इस बिजनेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। दोस्तों, उससे पहले मैंने कभी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था। जब मैं इनके पास गया और इनको मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, प्लीज टेल मी इन डिटेल की अपॉर्चुनिटी कैसे है, किस तरह से की जाती है, तो इन्होंने क्या किया कि पूरा 2-3 घंटे लगा के मेरा एक रोड मैप तैयार किया। और दोस्तों, वो रोड मैप आज भी इनके लिखे हुए वो शब्द 2 पेज जो है मेरे पास सेव्ड हैं, और वही मेरी आज तक भी गाइडलाइन है, एंड दिस इज द रीजन को मैं 100% फॉलो कर रहा हूं और ये सारे मुकाम मैं हासिल कर रहा हूं। जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करूंगा। इसके लिए मैं ट्रेनिंग से साथ जुड़ा, मैंने 3 महीने जॉब के साथ सिर्फ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया। जब ये अपॉर्चुनिटी को 100% क्लैरिटी के साथ मैं अंडरस्टैंड कर चुका था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जॉब को क्विट करूंगा, और 3 महीने के अंदर मैंने जॉब क्विट की और इस बिजनेस को 2013 मार्च 19 तारीख थी वो, मैंने वो बिजनेस को शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ट्रेनिंग्स का। जब मैं ट्रेनिंग्स की बात करता हूं तो यू कैनॉट बी डिपेंडेंट अपॉन कंपनीज ट्रेनिंग, यू हैव टू मेक योर सिस्टम्स। आपको अपने सिस्टम डिजाइन करना पड़ेंगे जहां पे आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग्स दे सकें। तो यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, आई एम वेरी लकी दैट मनदीप सर, जिन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए लगा के आज एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जहां पे वो लगातार हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारी टीम जो है सक्सेसफुल होती जा रही है। यस, वी आर वेरी लकी कि हमें वो सिस्टम मिले और वही चीजें हम आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई सक्सेस इज हैपनिंग। एनी हो, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दोस्तों, पहले 3-4 महीने मेरे साथ भी कोई नहीं चला, ऐसा होता है क्या? सबके साथ होता है जब बिजनेस आप शुरू करते। क्यों होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसलिए होता है कि आपके पास बिजनेस की उतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप अभी सीख रहे होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं होता जिससे सामने वाले के अंदर वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो, जिस कॉन्फिडेंस को देख के वो आपके पास आता है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपनी को देख के। यस और नो? यस। वो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू होता है तो लोग भी चलना शुरू होते हैं, और ऐसा ही हुआ कि 3 से 4 महीने बाद मेरे साथ 2-3 लोगों ने चलना शुरू किया। उनमें से 2 लोग स्पेशली यहां बैठे हैं, मिस्टर अमरवीर चाहल इज सिटिंग देयर एंड मिस्टर मुनीश शर्मा इज सिटिंग देयर। और अंडरस्टैंड करो कि इन 2-3 लोगों ने जब मेरे साथ चलना शुरू किया तो अगले 10 महीने में इतना बड़ा कारवां बन गया कि मैं जो सैलरी पिछले 9 साल की स्ट्रगल के बाद मेहनत के बाद ले पाया था कॉरपोरेट में, उस सैलरी को मैं 9 मंथ में क्रॉस कर गया, और 10 महीने के बाद मेरा चेक जो था मंथली इनकम वो 1.5 लाख पर मंथ को क्रॉस कर गई आफ्टर 10 मंथ्स। जर्नी आगे बढ़ी, मुझे ये पता था इट्स नॉट जस्ट अ मैनेजर, इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मैनेजर्स, बट यू नीड टू मेक लीडर्स एंड मैनेजर्स इन योर टीम, देन ओनली योर बिजनेस विल ग्रो। और मैंने वही काम शुरू किया, और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसने मेरी हेल्प की वो थी मिस्टर अमरजीत उबी सर की ट्रेनिंग्स, वो जो लगातार सक्सेस ट्रेनिंग देते हैं जहां पे वो कोचिंग पार्ट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, और मैंने वो कोचिंग पार्ट को पकड़ा और अपनी टीम में कोचिंग्स देना शुरू करी। और यही रीजन है कि आई एम वेरी वेरी मच प्राउड कि आज जो इनकम
आउटकम्स और जिस तरह के लेवल्स मैंने अचीव किए हैं, जो इंसेंटिव्स मैंने लिए पिछले 3.5 साल में, ऑलमोस्ट पैरेलली मेरी टीम में भी लोग वही इंसेंटिव और वही सारी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, बिकॉज आई एम हेयर टू प्रोड्यूस लीडर्स, आई एम नॉट हेयर टू प्रोड्यूस मैनेजर्स, राइट। और ये सारी चीजें चलना शुरू हुई। अब अचीवमेंट्स क्या हुई इन 3.5 साल में, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जब मैं इस जर्नी में जा रहा था, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान लेवल 1 हुआ, कार प्लान 2 हुआ, अगर मैं बात करूं तो ईगल मैनेजर, सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू ईगल मैनेजर ग्रीस, जो 7 दिन के बाद हमारा ट्रिप जा रहा है, राइट। एंड दिस इज माई कमिटमेंट दैट आई नेवर एवर मिस ईगल मैनेजर, नेवर एवर मिस, राइट, दैट्स माई कमिटमेंट। और ये सारी चीजें इसके साथ साथ, जब 2014 एंड हुआ और 2015 शुरुआत हुआ, देखो मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस को अगर आप 100% तरीके से करेंगे, कमिटमेंट से करेंगे, कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करेंगे, कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये सिस्टम आपको देगा उतना जितना आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। और यही रीजन था 2014 एंड हुआ। क्लैपिंग करना चाहते हो, कर सकते हो प्लीज। 2014 एंड हुआ तो 2015 की जब मैगजीन खुली तो मैं इंडिया के टॉप 5 जो नॉन मैनेजर कैटेगरी के लीडर्स थे उनमें सेकंड रैंक पे था, एंड दिस वाज सरप्राइज फॉर मी, ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। और सबसे बड़ा सरप्राइज जब मैं उसके नीचे गया तो मेरी टीम में जो मिस्टर अमरवीर चाहल बैठे हैं, ये भी टॉप 5 में 5th रैंक पे थे, एंड दैट वॉज द रियल अचीवमेंट, यस और नो? जोरदार क्लैपिंग करो यार, क्लैपिंग करनी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संजीव कपूर ने 5 बंदे वहां बिठाए, पैसे देके, और 5 बंदे वहां बिठाए हैं, वही क्लैपिंग कर रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग अगर करनी है तो दिल से क्लैपिंग करो, ये दिल का बिजनेस है, दिल तक जाता है, यस और नो? जब मैं बात करता हूं तो उसके बाद हमारी ये जर्नी शुरू होती है। और इस जर्नी में जब मैं आज अगर जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, मैं ये समझता हूं मेरी शुरुआत हुई है। आज 3.5 साल होने को आ रहे हैं मुझे इस बिजनेस में, और मुझे लगता है मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ईगल मैनेजर में गया था कैनकन मेक्सिको में, तो वहां पे जब जेन लीच की मैंने ट्रेनिंग देखी थी, निताले हिली की ट्रेनिंग वहां पे अटेंड करी थी, तो मुझे समझ आता है कि बहुत छोटी सी सोच लेके हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, और ये सोच ही सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। और इसलिए मैं कमिटमेंट करता हूं कि आई विल बी पार्ट ऑफ my GLT team soon, very soon I'll be part of GLT team, and that's my target, right? उसी target को लेके मैं इस business में चला हूं। And दोस्तों, मैंने बात की थी आपके साथ कि मैं आप अपना जो ये 15-20 मिनट का टाइम है, ये 2 sections में डिवाइड करूंगा। तो पहला सेक्शन था मेरा इंट्रोडक्शन और जर्नी, कैसी लगी आपको? दूसरा सेक्शन शुरू करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जो मैं पहले भूल गया था, आई एम सॉरी, मेरी वाइफ, शी इज़ मिसेस अविनाश जरियाल कपूर, एंड शी हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट लेडी, उनकी सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आफ्टर पेरेंट्स, अगर किसी इंसान की जो मेरे साथ सपोर्ट है, एंड दैट इज़ माई वाइफ। एनी हो, अगली जो जर्नी है उसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पढ़ी, मैंने देखी, मैंने एनालाइज की, और अपनी जीवन में जो है उनको मैं डाल रहा हूं। वो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनसे गारंटेड है आपको सक्सेस मिलेगी। क्या आप सक्सेस लेना चाहते हो? इतनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, इतना सारा मटेरियल आपको सक्सेस के लिए, इतनी सारी मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन जब मैं उनको सबको एनालाइज करता हूं तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जिन पॉइंट्स पे जाके वो समराइज हो जाता है। और मैं ये जानता हूं अगर यहां बैठा हर शख्स वो 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेगा तो उनकी जिंदगी भी लगातार लगातार सक्सेसफुल होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। क्या आप वो पॉइंट सुनना चाहते हो? यस yes. तो पहला पॉइंट जो है, जो फर्स्ट पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए, वो ये है, यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आपको पता, यू शुड नो व्हाट यू वांट, यस और नो? यस, फर्स्ट पॉइंट इज 100% क्लैरिटी। माइंड यू गाइज, क्लैरिटी इज पावर, यस और नो?
क्लैरिटी इज पावर. अगर आपके पास आपके जिंदगी का लक्ष्य जो है वो क्लियर कट लिखा नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने जाना कहां है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप चल तो पड़ोगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपको महसूस होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं. यस और नो? राइट. क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना है किसी ने? टर्मिनेटर के नाम से वो मशहूर है, मूवीज तो सब लोगों ने देखी होंगी. यस और नो? वो एक महान कलाकार तो है ही है, वो एक महान एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो एक जबरदस्त आपका बॉडी बिल्डर्स भी रहे हैं, वो एक जबरदस्त सोशल वर्कर भी हैं, और वो एक जबरदस्त पॉलिटिशियन भी है. आज की डेट में हर फेज में वो सक्सेसफुल रहे. तो उनसे पूछा गया कि आपके सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या था. ही सेड, ध्यान से सुनना इस चीज को, ही सेड आई सेट माई गोल एंड दैट आई डू वट एवर इट टेक्स टू अचीव दोज गोल. राइट. मैं सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करता हूं और जिंदगी में फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो कुछ भी लग जाए मैं वो करता हूं. दैट्स कॉल्ड क्लैरिटी. माइंड यू, क्लैरिटी इज पावर. यस. आर यू गाइज क्लियर कि आप फॉर एवर क्यों कर रहे हैं? आर यू गाइज क्लियर? अगर नहीं है तो आज वो मौका है कि क्लैरिटी कर लो कि इस जिंदगी में आप अगले एक साल में क्या चाहते हो, अगले पांच साल में क्या चाहते हो, अगले दस साल में क्या चाहते हो. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. अंडरस्टैंड करो, जब क्लैरिटी होती है तो ये दिमाग बहुत शानदार चीज है. जहां क्लैरिटी करते हो, जहां फोकस करते हो, ये जूम इन करता है एकदम से. आप उस चीज पर पूरा आपका दिमाग जूम इन हो जाता है. जब जूम इन हो जाता है तो वो चीज आपको जिंदगी में मिल जाती है. और जब ये चीज जब आपको मिलती है वो चीज, What does it mean कि आप अपनी जिंदगी को purposefully design करते हैं? Yes or no? Purposefully. There is a clear cut purpose. अब इसका example देता हूं. एक athlete जो थे, जो Olympic gold medalist थे, उनसे ये बात पूछी गई कि आप कितने time तक rest करते हो, कितने time तक आप सोते हो. तो उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 सालों से सोया नहीं हूं. ध्यान से सुनना. उस एथलीट ने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से सोया नहीं हूं, मैं जस्ट कुछ फ्यू आवर्स के लिए रेस्ट करता हूं विद अ क्लियर कट पर्पस. आई डोंट स्लीप एक्चुअली. राइट. वो रेस्ट करते हैं विद अ क्लियर कट पर्पस. इस तरह की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. जब आपको क्लैरिटी होगी कि आपने जिंदगी में करना क्या है, तो सेकेंड पॉइंट आता है. और जो सेकेंड पॉइंट आता है वो ये आता है, When you stretch, you grow. When you stretch, you grow. जब आप अपने आप को स्ट्रेच करते हो तो आप जिंदगी में ग्रो करते हो. बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट लेवल से उठना ही नहीं चाहते. यस और नो? यस. आवाज नहीं आ रही यार. यस और नो? यहां 3-4 हजार लोग बैठे हैं, मेरी आवाज ज्यादा बुलंद है आप लोगों की नहीं है? यस और नो? When you stretch, you grow. When you stretch further, you grow further. When you stretch further, you grow further. आपको अपनी लिमिट्स नहीं पता है. हम ये सोचते हैं हम बहुत लिमिटेड हैं, हमारी पोटेंशियल बहुत लिमिटेड है. माइंड यू गाइज, एक कृष्णा का, एक गीता का श्लोक है चैप्टर नंबर 15 में. उसमें कृष्णा ने ये कन्फर्म किया है कि आप मेरे अंश हो. कहने का मतलब हर इंसान जो यहां पे बैठा है वो कृष्णा का अंश है. मतलब कि ऊपर वाले का अंश है. ऊपर वाले की पावर अनलिमिटेड है. यस और नो? व्हाट डज इट मीन कि हम लोगों के अंदर भी अनलिमिटेड पावर है? इट जस्ट दैट कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं ना, जो हमारी सेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उन पावर्स को यूटिलाइज करने से रोकती हैं. सेंसेस कौन सी हैं? आंखें हैं, कान है, जीवा है, त्वचा है. ये हमारी सेंसेस हैं. ये कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं. और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो होता है क्या कि हम अपने पर्पस से दूर चले जाते हैं. तो गेटिंग माई पॉइंट, अपनी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको निकालो. दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी जो भी पोटेंशियल आपके अंदर है उसको निकाल सकते हैं. जॉब कौन कौन लोग करते हैं? जॉब बहुत सारे लोग करते हैं. रिलेट करेंगे. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपनी सैलरी के साथ अपनी पोटेंशियल को इक्वेट करते हैं कि इतनी मेरी सैलरी तो इतना मेरा पोटेंशियल. नो, योर सैलरी में भी एक्स बट योर पोटेंशियल शुड बी 5000x. और ये वो राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को आप यहां पे परफॉर्म करके जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो. यस और नो? सो द थिंग इज, व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो. व्हेन यू स्ट्रेच फर्दर यू ग्रो फर्दर. जब आप और स्ट्रेच करते हो आप और ग्रो करते हो. और एंड रिजल्ट क्या आते हैं आपके पास? एंड रिजल्ट ये आते हैं कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो लिमिटलेस बन जाती हैं. मींस यू ग्रो अनलिमिटेड. डू यू वांट टू ग्रो अनलिमिटेड? सो अपने आप को स्ट्रेच करना सीखो. अपने आप को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा माइल. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेक अ एग्जांपल.
जब हम कभी भी फर्स्ट टाइम वॉक शुरू करते हैं तो क्या पहले दिन से ही आप 2 किलोमीटर वॉक कर लेते हो? नो, आप क्या करते हो कि पहले एक ब्रिस्क वॉक शुरू करते हो, आस्ते आस्ते 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हो, तो 1 घंटा फिर 2 घंटा, और आप देखते ही देखते 1 महीने के अंदर 4-5 किलोमीटर भी भाग रहे होते हैं। वही आप होते हो जो 1 महीना पहले ये सोच रहे होते हैं कि शायद मैं 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वही आप हो जो आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप को, तो आप वो 5-10 किलोमीटर भी भाग लेते हो। यस और नो? व्हाट डज इट मीन व्हेन यू स्ट्रेच? यू ग्रो। वेन यू स्ट्रेच यू। तो यही चीज एग्जाम्पल फिट होती है एक दूध के ऊपर या एक पानी के ऊपर, कि जब 99 डिग्री तक आप उसको बॉइल करते हो तब तक वो बॉइल नहीं होता, लेकिन जस्ट 1 डिग्री जब और थोड़ा सा आप करते हो 100 तक जाता है, तो वही जो सेम चीज है वो बॉइल हो जाती है, और जो स्टीम निकलती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एक बहुत बड़ी मालगाड़ी या रेलगाड़ी को भी अपने साथ ले जाती है। दैट इज द पोटेंशियल यू नीड टू वर्क अपॉन। सबके अंदर वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अंडरस्टैंड करो। जब ये 2 बातें मुझे अंडरस्टैंड हुई, तो तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मुझे वो लगी, तो वो ये थी कि द थिंग्स यू कैन नॉट मेजर यू एक्चुअली कैन नॉट इंप्रूव। यस और नो? जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते तो आप उन एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव द टूल्स जिसके कारण आप अपनी जो जर्नी है उसको मेजर करो। एक एग्जांपल देता हूं आपको, कॉर्पोरेट्स में मेरी तरह कौन कौन से लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? क्या आपके मंथली रिव्यूज होते हैं? क्या आपका डाटा जो है उसके बार डायग्राम्स बनते हैं, एनालिटिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? कोई भी कॉर्पोरेट बिना एनालिटिक्स के चल ही नहीं सकता। जब हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कैसे करना, और मुझे जब आप मेजर करते हैं तो होता क्या है, दिस इज योर पोटेंशियल एंड दिस इज योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स और पोटेंशियल के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, और जब डेफिसिट का हमें पता लगता है मेजर करने के बाद, तो होता क्या है कि हम उस पर काम करते हैं और हम इंप्रूव करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप चीज? और जब मेजरिंग की बात आती है, यार मजा नहीं आ रहा मुझे, क्या हुआ बात, कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या, या बैठे हुए बोर हो रहे हो, या मजा नहीं आ रहा? जब मैं बात कर रहा हूं मेयरिंग की, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में तो ये वो ही चीज भी आप कंपनी ने इतनी आसान कर दी है। FLP 360 नाम का एक टूल आपके हाथ में, आपके मोबाइल में है, जिसको आप ऑन करोगे और अपनी 50th डाउनलाइन का भी आप सारा का सारा बिजनेस जो है मेयर कर सकते हो। अगर वो नहीं मेयर कर रहा, एज ए लीडर आप मेयर करके उसके सामने ये सारी चीज एनालाइज करके दे सकते हो। दिस इज वेयर यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यहां पे आपने काम करना है। दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। अगर आप किसी चीज को मेयर नहीं करोगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज द रीजन दैट यू नीड टू मेयर योर बिजनेस। आपके बिजनेस को जो है आपने स्टेप बाय स्टेप मेयर करना है। अब यहां पे एक एग्जांपल दूंगा कि आपने मेयर सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स को ही नहीं बल्कि रिजल्ट्स को भी मेयर करना है। देयर शुड बी अ रिपोर्ट, एफर्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए और एक आपके रिजल्ट्स की रिपोर्ट होनी चाहिए। जब आप ट्रेडमिल पे भागना शुरू करते हो तो सामने दिखती हैं आपको कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, वो आपके एफर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड है। जब आप खाने पे आप डाइट में प्रोग्राम में आप चेंजेस लाते हो तो आपको दिखती है कि कैलोरीज कितनी आपने लेनी है, वो आपके एफर्ट्स का रिपोर्ट है। लेकिन जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो आपको रिजल्ट दिखता है, वो रिजल्ट का रिपोर्ट है। तो आपको एफर्ट्स की रिपोर्ट और रिजल्ट्स की रिपोर्ट दोनों को मेजर करनी है। जब आप दोनों को मेजर करते हो तो आप अपने आने वाले टाइम का जो है एक पूरा रास्ता तैयार करते हो कि दिस इज द एरिया वेयर आई नीड टू इंप्रूव। जब आपके सामने क्लियर कट है कि मेरे को नॉन मैनेजर सीसी पे काम करना है, मुझे न्यू सीसी पे काम करना है, मुझे मैनेजर सीसी पे काम करना है, जब क्लियर कट क्रिस्टल के आपके पास चार्ट है तो उसको देख के आप अपने आगे का रोड मैप बना पाओगे। यस और नो? यस। तो द चीजें जिनको आप मेयर नहीं कर सकते हो उन पे आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्ट मेयरिंग योर रिपोर्ट्स। सेल्स इज नेवर कंप्लीट विदाउट रिपोर्ट्स, माइंड यू गाइस। यस और नो? सो ये यहां पे मैं बात करता हूं एंड करने से पहले, इसको एनालाइज करता हूं तीनों पॉइंट्स को। दिस इज कॉल्ड एसेस एंड आफ्टर दैट यू नो यू नीड टू अचीव एंड यू नीड टू आर्किटेक्ट। यू नो ये AAA फॉर्मूला बोलते हैं। एसेस कहां खड़े हो, अचीव कहां जाना है, आर्किटेक्ट कैसे जाओगे। ये 3 तरह का फॉर्मूला है, एसेस अचीव एंड आर्किटेक्ट। कहां खड़े हो, कहां जाना है,
कैसे जाओगे? इन तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा. कहां खड़े हो, वेयर यू आर, कहां जाओगे, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए. और आर्किटेक्ट करो, मतलब कि डेली की प्लानिंग करो कि डेली बेसिस पे आपको क्या चीज करनी है. जहां पे मेरा थर्ड जो है क्वेश्चन निकल के आता है, या थर्ड पॉइंट निकल के आता है, यू नीड टू मेजर. सो एक्सेस, एसेस करो वेयर यू आर, जाना कहां है, कैसे जाओगे. इन तीन फॉर्मूलाज को अगर एग्जैक्टली आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो गारंटेड है, आपके सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं अगर ये तीनों फॉर्मूला आप ले लेते हो. यस और नो? जाने से पहले कोशिश करूंगा कि एक ऐसी चीज जिसको मैं ज्यादातर, मेरी टीम जानती है यहां पे बैठी है, मैं खत्म करने से पहले एक मेरा बड़ा प्यारा सा डायलॉग है जिसको कहे बिना मैं खत्म नहीं करता हूं. और वो ये है कि जिंदगी में अगर वही करते रहोगे जो अभी तक किया है तो मिलेगा भी वही जो जिंदगी में अभी तक मिला है. और जिंदगी में वो चीज चाहिए जो आज तक नहीं मिली तो करना भी वही पड़ेगा जो आज तक नहीं किया. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच.